हेलो एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। इस सेशन में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 27, जिसका नाम है एसे राइटिंग। एसे यानी कि निबंध। आपको एग्ज़ाम में एक एसे पूछ सकते हैं, यानी कि दो या तीन या चार एसे हो तो आप में से उसको एक को चूज़ करके ही लिखना है। ऐसे है वो एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, एक निबंध है। एन ऐसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ अ राइटिंग डैट टेल अस पर्सन थॉट्स और ओपिनियन अबाउट सब्जेक्ट। यानी कि ऐसे में आपको देखो एक सब्जेक्ट होगा, एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा और उसके ऊपर एक उसके लिए कोई भी एक व्यक्ति को है वो अपने जो थॉट्स है, अपने जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करने पड़ते हैं। यानी कि ऐसे में क्या होता है कि कोई भी आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक हो, एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसके लिए आपको अपने आपकी जो थॉट्स है, आपके जो थॉट्स है, उसके अलावा आपके आपके जो रीडिंग स्किल है, उसके ओपिनियन है वो क्या है वो। हियर आर गिवन सम ऐसे सैंपल्स। हमें यहाँ देखो चार ऐसे दिए हैं। फर्स्ट है रियल फ्रेंड, अ रेनी डे, न्यूज़पेपर और 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। देखो इसमें से हम दो ऐसे डिस्कस करेंगे, वो फर्स्ट है रियल फ्रेंड और दूसरा है रेनी डे। ये दो ऐसे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक्सरसाइज टाइम में जो दो ऐसे हैं, माय स्कूल और विंटर सीजन, उसकी मैं आपको लिखकर पीडीएफ भेज दूंगी। वो आपको अपनी इंग्लिश CW में लिखने हैं। यानी कि ये दो ऐसे तो लिखने ही है CW में, रियल फ्रेंड और रेनी डे। उसके अलावा एक्सरसाइज टाइम में से माय स्कूल और जो विंटर सीजन है वो आपको डिस्कस वो उसकी मैं आपको PDF भेजूंगी। वो आपको अपनी CW में यानी कि इंग्लिश CW में लिखने हैं। फर्स्ट ऐसे हम डिस्कस करते हैं वो है रियल फ्रेंड। देखो ऐसे ऑलवेज आपको पैराग्राफ में ही लिखना है। क्या है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यानी कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। वेर एवर ही गोज ही मेक्स फ्रेंड्स बट फ्यू आर अ रियल फ्रेंड्स। क्या कहा है कि जहाँ भी हम जाते हैं व्यक्ति एक अच्छा दोस्त बनाता है। दोस्त तो कई सारे होते हैं लेकिन ट्रू फ्रेंड्स बहुत कम मिलते हैं। जॉन इज़ माई रियल फ्रेंड, ही इज़ ऑफ माई एज एंड स्टडीज इन माई क्लास। ये लड़का बता रहा है कि जॉन मेरा रियल फ्रेंड है। देखो आप अपने फ्रेंड आप अपने बेस्ट फ्रेंड का भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम साथ में पढ़ते हैं और वो मेरी ही एज का है। जॉन इज़ अ क्वाइट टॉल, फेयर एंड हेल्दी। यानी कि जॉन है वो टॉल है, फेयर है और हेल्दी है। ही इज़ एन आइडियल स्टूडेंट, और एक आइडियल स्टूडेंट्स भी है। ही इज़ अ हार्ड वर्किंग, ही इज़ अ लिसन टू ही वो एक जॉन है वो हार्ड वर्कर है। देखो आप अपने फ्रेंड के बारे में इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो भी ठीक लगे वो भी। ही लिसन्स टू द टीचर्स अटेंटिवली, यानी कि वो टीचर्स को क्लास में बहुत ही शांति से सुनता है। ही इज़ अ गुड इन अ फुटबॉल एंड द गेम आई लाइक। जॉन है यानी कि मेरा जो फ्रेंड है वो एक फुटबॉल खेलने में बहुत ही अच्छा है। और वो क्या कहता है, ही इज़ अ वेल बिहेव्ड एंड लाइक्ड बाई ऑल। यानी कि उसका बिहेव यानी कि उसका जो वर्तन होता है वो सबके साथ बहुत ही अच्छा होता है और सब उस जॉन को पसंद करते हैं। देखो ऐसे ऑलवेज आपको पैराग्राफ में ही लिखने हैं। जॉन इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, यानी कि मेरा जो फ्रेंड है जॉन वो ऑलवेज मुझे हेल्प करने के लिए ही रेडी होता है। वेन एवर आई हैव एनी डिफ़िकल्टीज इन स्टडीज ही ट्राइज टू सॉल्व इट। यानी कि जब भी मुझे कोई डिफ़िकल्टी हो, स्टडी में कोई डिफ़िकल्टी पड़े,
मुश्किल ही पड़े तो वो भी वो मुझे पढ़ाता है, समझाता है। ही इज़ अ गुड एट मैथमेटिक्स एंड आई एम वीक, यानी कि मेरा ये फ्रेंड जो जॉन है वो मैथमेटिक्स में बहुत ही क्लेवर है और मैं उसमें ही वीक हूँ। ही हेल्प्स मी वैन नीडेड, द प्रॉब्लम डैट आई डोंट अंडरस्टैंड आर एक्सप्लेन बाई हिम, यानी कि ही हेल्प्स मी वैन नीडेड, यानी कि जब भी मुझे जॉन की नेसेसिटी होती है जॉन मेरी हेल्प करता ही है। द प्रॉब्लम्स डैट आई डोंट अंडरस्टैंड आई आर एक्सप्लेन बाई हिम, यानी कि कई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, बैरियर्स आते हैं जो लाइफ में, वो मैं समझ पाता हूँ उसके ही वजह से, यानी कि हर प्रॉब्लम में वो मेरे साथ ही होता है। फिर है नेक्स्ट, इन द इवनिंग वी ऑलवेज प्ले टुगेदर, यानी कि शाम को हम रोज साथ खेलते हैं। वी विजिट ईच अदर्स हाउसेस टू, यानी कि हम एक दूसरे के घर पर भी जाते हैं। माई पेरेंट्स लाइक हिम वेरी मच, मेरे जो पेरेंट्स हैं यानी कि मदर और फादर है, उसको भी मेरा ये जॉन फ्रेंड बहुत ही अच्छा लगता है। He has become almost a member of my family, यानी कि वो अब मेरा ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जैसे मानो मेरा एक फैमिली मेम्बर ही हो। His parents treat me in the same way, यानी कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं जॉन के पेरेंट्स भी मुझे उसी तरह ट्रीट करते हैं। When my brother was hospitalized, he stood by me and shared my ड्यूटीज, यानी कि जब भी मेरे भाई था वो हॉस्पिटलाइज था तब भी जॉन यहाँ मेरे घर पर आया था और मेरी बहुत ही अच्छी हेल्प की थी। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि हमारे जीवन में मित्र है वो बहुत ही नेसेसिटी है, इन डीड चाहिए। आई एम लकी टू हैव सच एज अ नाइस फ्रेंड, और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे जॉन जैसा अच्छा फ्रेंड्स मिला। तो देखो ये फर्स्ट ऐसे हमने डिस्कस किया, आपको पता चल गया कि कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको अपने ओपिनियन और अपने थॉट लिखने हैं, उसे ऐसे कहते हैं। सेकेंड ऐसे है अ रेनी डे, यानी कि बारिश का दिन, अ रेनी डे क्या है देखते हैं। रेन्स आर अ ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड, यानी कि बारिश है वो मनुष्य के लिए, मनुष्य इंसान के लिए वरदान है, बुन है। आफ्टर हॉट समर मंथ्स वी कैन ओनली वेट फॉर अ रेनी डे, यानी कि समर खत्म होने के बाद, गर्मी खत्म होने के बाद हम ऑलवेज ही रेन का वेट करते हैं, बारिश का वेट करते हैं। आई रिमेम्बर्ड वन सच अ रेनी डे व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, फिर ये लड़का कहता है कि मुझे मेरा एक बारिश का दिन याद है जब मैं स्कूल से वापस घर जा रहा था। आई नोटिस्ड अ चेंज इन वेदर, मैंने देखा कि वेदर में बहुत ही चेंज है। द क्लाउड्स गैदर्ड इन द स्काई, आकाश में बादल घिर गए हैं। सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, और सडनली बारिश होना शुरू हो गई। देर वॉज अ डाउन पॉर फॉर अ शॉर्ट वाइल बट सून इट टर्न्ड इनटू अ स्टेडी रेन, फिर क्या हुआ, देर वॉज अ डाउन पॉर फॉर अ शॉर्ट वाइल बट सून इट टर्न्ड इनटू अ स्टेडी रेन, यानी कि पहले तो हल्की सी बारिश हुई और बाद में भारी हैवी रेन। आई शो अ पीपल आउट इन बालकनी ऑफ देयर हाउसेस थ्रॉडली एंजॉइंग द शावर्स, यानी कि मैं खिड़की में से देख रहा था खड़े खड़े कि बारिश में कई सारे लोग भीग रहे थे, ऐसे एंजॉय कर रहे थे रेन को और शावर्स ले रहे थे। द स्मॉल चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग विद द पेपर बोट, यानी कि जो छोटे बच्चे थे वो पेपर बोट से खेल रहे थे। ऑल द डर्ट्स एंड डस्ट फ्रॉम द प्लैनेट्स एंड ट्री वॉश्ड अवे, यानी कि पेड़ और पौधे पर जो डस्ट जमी थी, धूल लगी थी, वो अब साफ हो गई, क्लीन हो गई। द हैवी रेन वेंट ऑन फॉर आवर्स टुगेदर, यानी कि ये हैवी रेन है वो हैवी रेन वेंट ऑन फॉर
आवर्स टुगेदर, यानी कि ये हेवी रेन कहीं देर तक चले, जैसे 2 घंटे तक ऐसा। द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वेंट टू अंडर अ नीप डिप वाटर, बसेस कार्स एंड अदर व्हीकल्स स्टॉप रेन, यानी कि बारिश इतनी बढ़ गई कि ये रोड पर सड़क पर पानी जमा हो गया और उसकी वजह के बस और कार और जो दूसरे व्हीकल है वो चल ही नहीं पाते थे। हाउएवर इन द इवनिंग द एयर बिकम कूल एंड प्लेजेंट, यानी कि जब शाम हुई तो बारिश की वजह से जो हवा है वो बहुत ही कूल और प्लेजेंट, यानी कि ठंडी हवा चलने लगी और प्लेजेंट भी थी वो विंड। बारिश की वजह से जो हवा चलती है वो ऑलवेज कूली होती है। द ट्रीज लुक्ड फ्रेश एंड ग्रीन, यानी कि पेड़ पौधे एक बहुत अच्छी तरह फ्रेश और ग्रीनरी ही जैसे छा गई ऐसा। अ रेनबो अपीयर्ड इन द स्काई एडिंग टू द ब्यूटी ऑफ द नेचर, और एट द एंड में इंद्रधनुष यानी कि रेनबो दिखा। कितना ब्यूटीफुल होता है रेनबो वो हमें भी पता है। I sang the song of rain and thanked to the rain god for the day. फिर ये लड़के कहते हैं कि मैंने तो वर्षा गीत गाया। I sang the song of rain, यानी कि मैंने वर्षा गीत गाया और रेन गॉड बारिश के जो देवता है उसको थैंक किया, यानी कि उसको धन्यवाद दिया क्योंकि इस रेनी डे के लिए, यानी कि इस वर्षा दिन के लिए जो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो यहाँ हमारा सेकंड ऐसे है वो भी कंप्लीट होता है रेनी डे। जैसा मैंने कहा था हम इस सेशंस में 2 ऐसे डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज टाइम में जो ऐसे हैं फर्स्ट माई स्कूल और दूसरा है विंटर सीजन। ये दोनों ऐसे की PDF SS की PDF मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। फिर आपको ये ऐसे भी आपको अपने इंग्लिश CW में लिखने हैं, यानी कि अ रेनी डे लिखना है और रियल फ्रेंड लिखना है। उसके अलावा माई स्कूल और विंटर सीजन, ये 4 ऐसे आपको अपनी इंग्लिश CW में लिखने हैं। सो आज के सेशंस के लिए इतना ही। जो वर्क आपको मिले वो आपको टाइम टू टाइम अपनी वर्कशीट में लिखना है। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।